देखिए, ये है हमारे घर में शुद्ध भेड़ के ऊन का बना हुआ पापा के सोने वाला। ये है हमारे पहाड़ का, बड़ा लाश ही डाली जाएगी, फेल भी हो रहा हूँ सिलेंडर के बगल में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गेड़ा फैमिली व्लॉग। दिस इज ज्योति गेड़ा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह कुछ 7 o'clock से, और अभी पवन चले गए हैं स्कूल। बाकी आज लेके आना है बच्चों को भी, बच्चे थे 2 दिन से अपनी बुआ के घर पे। तो हमारा रूम थोड़ा सेट हो गया है, रूम का व्यू आपको थोड़ा सेट करने के बाद दिखाऊंगी अच्छे से। तो आज किचन खाली कर दिया है मैंने पूरा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे होनी है आज पेंटिंग, और साथ में पेंटिंग के बाद मैं सोच रही हूँ किचन को साफ भी कर दूंगी, क्योंकि हैंड टू हैंड दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी मम्मी कर रही हैं अपना रूम खाली, मैं दिखाती हूँ मैंने किचन खाली किया, मम्मी की हेल्प करती हूँ, और फिर लेके आना है बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों के बिना बहुत बुरा लग रहा है। उनके लिए रूम सेट है तो इसलिए उनको भी लेके आती हूँ। बाकी पवन चले गए थे और पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पापा की भी कमर में दर्द है तो ब्रेकफास्ट करके उन्होंने दवा ले ली है। अब थोड़ा ठीक है मतलब, लेकिन हो ही रहा है दर्द। अगर ऐसी रहा तो, उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो होते रहता है कभी कमर में, कभी घुटने में, कभी पाँव में। तो अभी उनकी दवा भी चल रही है, तो भी दिखाती हूँ मम्मी क्या कर। मम्मी ने कर दिया है अपना रूम खाली, मम्मी ने कमरे के बेड के सब बिस्तर डाल दिया ऊपर, और अलमारी का सामान डाल रही हैं बेड में। बाकी आज ये रूम चमक जाएगा। हमारे राधा कृष्णा भी निकालने पड़ेंगे यहाँ से। कपड़े भी हैं फालतू के कपड़े, जो कभी पहनने के काम भी नहीं आ रहे वो रखे हैं मैंने, तो उनको सब देना है। मैंने खाली भर रखा है सब जगह फालतू का सामान। दीपावली की सफाई में इतना सामान दिखता है, इतना सामान दिखता है, देख के ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं खरीदेंगे, बट फिर खरीदना ही पड़ता है। पता नहीं ये फालतू का सामान क्यों जुड़ जाता है इतना, लेकिन फिर भी खरीदना ही पड़ता है। मतलब अभी इतने कपड़े, इतने बर्तन, इतना बिस्तर दिख रहा है, अभी सफाई करते टाइम हालत ख़राब हो जा रही है रखते ही रखते। कल मैं और पवन 11:30 बजे सोए, मतलब 11:30 बजे तक तो पहले मैंने हम लोगों ने रूम सेट किया, उसके बाद फिर व्लॉग एडिट किया, उसके बाद 11:45 बजे सोई। आधा व्लॉग वो भी दिन में एडिट कर रखा था इसीलिए, वरना मतलब ऐसी हालत हो जा रही है, सुबह शरीर में इतना दर्द हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब जो टूट गया है मम्मी के बेड का, क्या कर दिया आपने, तोड़ दिया मम्मी ने अपन। हमारी लगनी है मंदिर में वॉल, ये जो विंडोज़ हैं, जो ये विंडो हैं ये बाहर की साइड से बंद हैं, तो ये विंडो भी हम बंद करवा रहे हैं, और ये विंडो भी बाहर की साइड से बंद है तो ये विंडो भी बंद करा रहे हैं। उसके बाद नीचे के हिस्से में तो हमारे टाइल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो ऊपर के हिस्से में भी यहाँ पे टाइल्स लगवाएंगे, तो आज वॉल लग जाएगी, उसके बाद वो लगवाएंगे क्या बोलते हैं टाइल्स, तो ये सब हटाना है अभी। कल मम्मी और पवन ने कर रखा था मंदिर साफ, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है नीचे, वो हुआ पीओपी हुई तो उसने ग्राइंडर चलाया तो उससे बहुत ज़्यादा धूल हो गई। तो अभी ये सब हटा देते हैं, ये कर्टेंस निकाल देते हैं, और जैसे कि सामने हमने बिस्तर एंड ऑल रखा था तो ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डस्ट हो जा रही है। ये देखिए मैंने अपना हारमोनियम और वो रखा था तो उसके ऊपर से डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कपड़ा रखा था उसके बाद भी इतनी सारी डस्ट हो जा रही है, तो ये सब हटाते हैं। फिर दिखाती हूँ आज आपको आज का वर्क क्या क्या है। छत का हाल कुछ ये है हमारे, ये सब है मम्मी के रूम का सामान, मम्मी के बेड का और अलमीरा का सामान, ये अलमीरा के हैं जो कपड़े हैं, बाकी कंबल्स एंड ऑल सब बेड के हैं। बहुत बुरे हाल हो गए हैं हमारे घर के, कब सही होता है पता नहीं। इधर आधा सामान ढका हुआ है, इधर इतना सामान है, बाकी ये होना है, ये होना है, कब होगा कोई समझ में नहीं आ रहा, कब तक होगा मम्मी? ए, कन्या पूजन से आ गए, ये बुआ के घर से आ गए वो बच्चा, और ले ले बच्चा 2 दिन के बाद घर वापस आ रहा है। अरे बाप रे, कितना सुंदर सजाया भाई दोनों को। ओ माय गॉड, माय गॉड, अरे क्या बना के भेज दिया देवी भैया, ये जूड़ा है, आंटी ने बनाया, कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बनाया, कैसा लगा बाकी घर में?
आओ दीदी, इनको सरप्राइज हमने पूरा चेंज कर दिया नित्या काजी के लिए, सब चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया, रूम भी चेंज कर दिया। मैं आई, कैसा लगा बुआ के यहाँ? और जाते हो या यहीं रहते हो? जाते हो, तू जा रही है बुआ के घर? मम्मी गए हैं। अब मेरे को क्यों छोड़ा करके नाराज होता है ना? प्रणाम भैया के जित्तू भैया लोग आ गए हैं छत में, हर जगह की दीवारें तोड़ दी है इन्होंने हमारी। अब यहाँ का टर्न हो गया है दीवार तोड़ने का, जगह जगह तोड़ के भैया ने रिपेयर कर दिया है। ये टूट गई, ये वाले विंडो निकाल के ये बंद कर देंगे। इन्वर्टर तोड़ दिया इन्होंने, हाय भैया। इन्वर्टर टूटा हुआ तो भैया लगाएंगे आज इन्वर्टर में। बाप रे, सब तोड़ दिया इन्होंने। गोपाल भैया लगा के जाएंगे अब इन्वर्टर। कहाँ जा रहे हो? फैल 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 डाल देते हैं, तो फैल ऑन ही ऑन का है, दिखाई देगा सर? हाँ, बकरी भेड़ के उनका है, भेड़ का। अभी धूप में नहीं दिखाई देगा साफ। ये है हमारे घर में शुद्ध भेड़ के ऊन का बना हुआ पापा के सोने वाला। ये है हमारे पहाड़ का बकरी के ऊन ही ऊन का बना है, ये पूरा बकरी के ऊन का ऊन का है, पूरा ऊन ही ऊन है, ये पूरा ऊन है ये बकरी का। ये देखो पूरा ऊन ही ऊन है, पूरा बकरी का, भेड़ का, भेड़ का। पूरी दूसरा करते हैं पूरी, तो बकरी के ऊन का ये भाई इसको बनाते हैं। ये मेरा बिछाने वाला है, बहुत गर्म है जाड़ू में। हाँ, इसके ऊपर वो दंड बिछाता हूँ, फिर एक दंड और है, दो तीन दंड बिछाता हूँ। बहुत कितना भारी है लगा, अच्छा खासा गद्दा माफ करेगा इसको, गर्म भी बहुत होता है। नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा। 45 साल हो गए इसको बनाया हुआ, 45 साल। क्या करो, ये गाइस टाइम हो रहा है कुछ 4 o'clock और इधर बच्चे सोए हुए हैं मेरे। बाकी अभी मैं कर रही हूँ किचन साफ, क्योंकि किचन में हो चुकी है पेंटिंग थोड़ी सी बची थी। अब चिमनी भी लग गई है इधर, ये चिमनी की कल सर्विसिंग कराई थी, भी लग गई और ऊपर पेंटिंग भी हो गई है, इधर मैं टाइल्स लगा रखे हैं और ये पेंटिंग होगी। बाकी अभी मैं कर रही हूँ किचन को साफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, देख सकते हैं आप गंदगी हो रही है। तो अभी इसको पूरा धोती हूँ, किचन पूरा किचन धोती हूँ, उसके बाद दोबारा से पूरा किचन सेट करूँगी। और ऊपर चल रहा है वर्क, मंदिर की खिड़की टूट रही है, बाकी मम्मी लोग के रूम में भी चल रही है कलरिंग। तो पेंटिंग में आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हमने कौन से रूम में कैसी पेंटिंग करी है करके, मतलब कौन सा कलर किया है। ये मैं एक साथ आपको एक दिन यही सब दिखाऊंगी कि कौन से रूम में कैसा कलर हो रखा है, ये मैं नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो अभी मैं करती हूँ किचन को साफ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। आप देखिए कि मेरी आज की किचन वाली मेहनत। शानदार सफाई, जानदार हाथों से, बहुत बढ़िया। हाँ ना, धूप में बैठ जाना तब भी सूख जाएंगे। ओहो, हाँ बड़ा भी ज्यादा ही है किचन, फिर इतना ऊपर सब साफ कर दिया देखो। हाँ ये पीला रंग भी शायद तूने ही लगाया होगा ना। ओ मिट्टी में बताना काशी है पानी नहीं, चावल मत खा, अभी कुछ और खाए। हमने मॉड्यूलर किचन बनाया था ऐसे, ताकि हम इसमें ऐसे बड़े बर्तन रख सकें और यहाँ पे ऐसे ये रख सकें बर्तन ऐसे ये। लेकिन यहाँ देखिए कुछ इंसान ऐसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़ा लाश ही डाली जाएगी, फेल भी हो रहे हैं सिलेंडर के बगल में। तो हमेशा अपनी मेहनत तो दिखाती है, मेरी मेहनत तो नहीं दिखाती है। ईश्वर रहने दे यार, हो गया कहीं निपटे रहेगी, यहाँ बाहर निकल गया। हाथ क्या हाथ देना है इसमें, वहीं रहे ये
वो वहाँ पे जो सिलेंडर का वहाँ नीचे रखने वाला ना, वहाँ पे टैल वाला कर दें क्या, पानी चले जाता उसमें। यहाँ पे मम्मी टाँचने लग गई हैं अपना रूम, ये सब पैक करके, कंबल, ये यू इसको ऐसे रखोगे क्या, ऐसे आएगा ये, ये नहीं लगेगा मम्मी ऊपर से, नहीं लगेगा, बहुत ऊंचा है वो, लाओ मैं दबाऊं इधर, लाओ चलो तुम्हें छत दिखाते हैं, एक नहीं है, एक चप्पल खो गई यार इसकी, आज हमने यहाँ पे का डोर भी निकाल दिया है, बाकी ये देखे अभी, लेकिन ये रूम हमें सही करना है क्योंकि कल को यहाँ पे, कल या परसों को यहाँ पे होगी पेंटिंग, तो ये रूम का कल्याण हो रखा है, इस रूम को सही करते हैं। और अलमीरा में ये अलमीरा हमने यहाँ रख दी है, ये अलमीरा यहाँ रख दी है, फिर सामान रखा भाई, कैसी हो गई है नित्या, ये नित्या ने नहीं देखा, ऊपर की दुनिया ऐसी हो गई, होल हो गया है ये, ऐसा हो गया है ये, मिट्टी में हाथ मत लगाओ, मंदिर का वो विंडो तोड़ दी नित्या हमने, उधर वाली नहीं तोड़ी है, उधर सारी मालाएं लटकाई है, क्या चीज है, नो नो फूल की माला उधर रखो नित्या, मैं इसलिए नहीं लेके आई बेटा छत में, रखो यहाँ पे, कल आप लोग दिबुआ के यहाँ थे ना तो यही करा था पापा और अम्मा ने, वहां रखो नीचे रखो, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, और ये हमारे जो वॉशरूम और डाइनिंग रूम के बीच में का डोर था वो भी हमने निकाल दिया है, बाकी इतना सारा सामान अभी हमें नीचे शिफ्ट करना है, ये देखिए इसको करते हैं बराबर फटाफट नीचे शिफ्ट, फिर दिखाते हैं। तो गाइस छत के कपड़े जो आपने ढेर देखा था वो फाइनली नीचे आ चुका है, मतलब पूरा नहीं आया अभी, मम्मी और अभी जो थोड़ा बहुत बचा है, बाकी बड़ा बड़ा तो रख दिया हमने सारा सामान नीचे बेड में डालने वाला है नॉल, तो जो छोटा मोटा है कुछ और वो मम्मी और पवन अभी लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना था इन दोनों को भी, इनका वॉक बिल्कुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये क्या कर रही हो काशी, पेंसिल बाहर निकालो फिर मुँह से, दो दिन से अपनी बुआ के घर पे थे तो वहाँ पे लेने के नहीं गए थे नोटबुक, तो अभी इनको भी वर्क कराना हो रहा है, बगैर मेरे इनकी राइटिंग ऐसी हो जाती है कि भगवान ही मालिक होता है इनका, नित्या ने अभी दिखवा मेरे बिना वॉक किया और राइटिंग इतनी गंदी बना दी जिसमें मैम इसे वेरी पुअर देने वाली हैं, और मैं साथ में काट रही हूँ सब्जी, सब्जी में मैं आज बना रही हूँ लौकी, आज किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है और किचन का सारा सामान भी मैंने सेट कर दिया है, पूरा किचन वॉश किया आज अच्छे से, पूरा बिल्कुल सर्फ एक्सेल से धोया है पूरा किचन मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी तो पूरा किचन मैंने पूरे पानी से और सर्फ एक्सेल से धोया आज, और अभी सामान सब टांस दिया वहाँ पे भी, बाकी फटाफट बनाती हूँ सब्जी, टाइम भी हो चुका है कुछ 7:30 हो गया है, और कल मम्मी लोग के रूम में भी फाइनल हो गया कलर, हमारे रूम में भी किचन में भी, अब बचा है डाइनिंग रूम और लिविंग रूम और एक स्टडी रूम, तीन रूम और बचे हैं, बाकी स्टेयर्स बची हैं और बाकी नीचे जहाँ रेंट पे भाभी लोग रहते हैं, नीचे पीछे रेंट में भाभी लोग रहते हैं उनका नीचे बचा है और ऊपर बचा है, फिर बाहर का बस 2 दिन की छुट्टी है, देखो कितना हो पाता है 2 दिन की छुट्टी में। तो गाइस टाइम हो चुका है कुछ रात का 9:00 और अभी हम लोग का हो गया है खाना पीना और यहाँ चल रही है हमारी टीवी, ये देख सकते हैं आप, और नित्या काशी देख रहे हैं श्री कृष्णा, काशी यहाँ पे मेरे संग शैतानी कर रही है, मार रही है मुझे पाँव से, है ना ओए। तो गाइस बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो अपने ब्लॉग को करती हूँ बैन क्योंकि हम लोग इतना थक जा रहे हैं आजकल और ब्लॉगिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, ब्लॉगिंग करने का कंटेंट बनाने का भी टाइम नहीं हो रहा है, मतलब इतना सारा काम चल रहा है घर पे, पर शूट करने का टाइम नहीं हो पा रहा है,
तो जो भी चल रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी ब्लॉग को कर देती हूँ, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल देखो तो क्या कर रही हो ये गंदी बात, आज मोटी मत काटो। तो गाइस आप सभी को रामनवमी की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।